स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्यचंद्रमसाविव पुनर्दधता गणता जानता संगमे मई। आदर सम्मान के योग्य नेपाल आर्य समाज और केंद्रीय आर्य सभा के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, सभी सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्तित्वगण, और आज बड़े दिनों के बाद मेरे एक पुराने मित्र भाई टीका राम जी मुझे मिले हैं, मुझे बहुत खुशी है। और टीका राम जी को वो बातें याद है और उन्होंने ही नेपालगंज वाली बात कही अपने वक्तव्य में, और वाकई में वो हमारे लिए भी बड़ा ऐतिहासिक दिन था। कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे कि ये बातें नहीं है, ये बातें नहीं है, तो भाई क्या बातें हैं, आप लाओ इसका प्रमाण। और वो मुफ्ती को बुलाते रह गए, आज तक बुला रहे हैं, ना वो मुफ्ती आए और ना वो लोग आए। भाई टीकाराम जी जीते जाता प्रमाण बैठे हैं, इसीलिए मैंने बोल दिया। मैं आप लोगों से जुड़ पाया हूं मेरी पूज्य बहन किरण पाठक जी के माध्यम से। बहन जी मेरे साथ मेरे फेसबुक और मेरे चैनल में हैं, निरंतर हम भाई बहनों के विचारों का आदान प्रदान हम करते रहते हैं, चाहे मैं कुछ भी लिखूं या वीडियो अपने वीडियो के माध्यम से अपने प्रचार भेजूं, बहन जी सुनती रहती हैं, प्रचार करती रहती हैं। तो आप जैसे अधिकारियों से भी उन्होंने अपना विचार दिया होगा कि महेंद्रपाल जी को भी बुलाना चाहिए। तो इस निमित्त मेरे पास कल फोन आया एक भाई साहब का, और उन्होंने कहा कि मैं पुराना आर्य समाजी तो नहीं हूँ, अभी जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन के समय से मैं जुड़ा हूँ। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, जब जागो तब सवेरा है। और हम लोगों का प्रयास तो यही है, ऋषि दयानंद भी जब कार्य क्षेत्र में उतरे थे तो काफिला उनके साथ था क्या? उनके साथ कोई बड़ा हुजूम नहीं था, और ये हुजूम वाले भी मेरे सामने बहुत आए और पीछे पा हटा लिया। जैसा उदाहरण के रूप में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लोगों को दे दूं, डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, केवल हम भारत में ही नहीं अपितु आप नेपाल वालों को भी खूब मालूम है। डॉक्टर जाकिर नाइक मेरे पास मेरे से 3 बार समय दिया और पीछे हटा। पहली बार तो उसने बोला क्या आप 1 लाख उपस्थिति दे देंगे क्या? मैंने कहा कि मेरे भाई आप 1 लाख उपस्थिति क्यों चाहते हैं, आप लोग आपको 1 लाख की उपस्थिति क्यों चाहिए? आपके हजरत मोहम्मद साहब जब प्रचार में उतरे थे, तबलीग में उतरे थे, तो उनके साथ कितने लोग थे, आपको 1 लाख आदमी चाहिए? तो बोले नहीं, जहां मैं खड़ा होता हूं वहां 1 लाख लोग आ जाते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, जब आप जहां खड़ा हो जाते हैं वहीं 1 लाख लोग आ जाते हैं, तो हमें फिर 1 लाख लाने की आवश्यकता क्या है, आप ही आइए। क्योंकि ये लोगों के पास बुद्धि नाम की तो कोई चीज नहीं है, मेरे तर्क के सामने टिक नहीं पाया, भागा पीछे। डॉक्टर जाकिर नाइक का पर्दाफाश आप लोग भी देखे होंगे यूट्यूब चैनल में, सुदर्शन न्यूज चैनल में जाकिर नाइक का पर्दाफाश मेरा वीडियो लगा हुआ है। तो आइए आज इस वांगी के रूप में बहुत पुरानी पुरानी बातों को कईयों को देखकर, माननीय भट्टराई जी से भी मेरा परिचय है, वो इधर
मैं नेपाल में तो 85 से निरंतर जाता रहता हूँ। मैं काठमांडू में एक बार गया केवल, और महासम्मेलन में नहीं, महासम्मेलन में मुझे बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि वो व्यवस्था दिल्ली वालों के पास है और दिल्ली वालों से मैं विरोध में हूँ। दिल्ली वालों का एक भी काम सही नहीं है, इसीलिए मैं टीका टिप्पणी करता रहता हूँ, इसीलिए मुझे नहीं बुलाया गया था। जो नेपाल के और नीचे लोग हैं, जो हमारे भारत से सटे हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सब में मैं जाता रहता हूँ। उधर नेपालगंज से लेकर प्राय क्षेत्रों में सभी लोग मुझे जानते हैं। मैं निरंतर 85 से दो दो तीन तीन महीना रह करके प्रचार किया हूँ, और मूल रूप से वीरगंज आर्य समाज से ही मैं जुड़ा हुआ रहा। वीरगंज के कुछ कार्यकर्ता हमारे एक्सपायर कर गए हैं, इसलिए अब शिथिल हो गया वीरगंज भी। लेकिन आज इसी बहाने में आप लोगों को एक खुशखबरी, आप नेपाल वासियों को मैं एक खुशखबरी दे रहा हूं कि नेपाल के बहुत सारे लोग, चाहे वो काठमांडू के हों और पोखरा के हों और हमारे नीचे तराई क्षेत्र के हों, बहुत सारे लोग अरब कंट्री में नौकरी करते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक देव नारायण यादव जी, जो सीता जनकपुर के रहने वाले हैं, माता सीता के पितृस्थली के राजा जनक के नाम से जो मशहूर है, उसी जनकपुर के रहने वाले हैं, और अरब कंट्री कतर में वो सर्विस करते हैं, दोहा में, अरब का वो कतर का कैपिटल दोहा है, दोहा में नौकरी करते हैं। और मैं खुशखबरी इसीलिए भी देना चाहता हूँ आप नेपाल वासियों को, धन्यवाद भी मैं इसीलिए देना चाहता हूँ कि उन्होंने वहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की, मैं भी सारा नियम और उपनियम उनको भेजा। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। आज अंडमान निकोबार द्वीप में कोई आर्य समाज स्थापना करते हैं, ये लोग तो ये समझते हैं कि हम तो एवरेस्ट पर चढ़ गए। मैंने विनय आर्य को बोला तो एवरेस्ट पर मत चढ़ो, कतर के दोहा में आर्य समाज की स्थापना करके दिखाओ, महेंद्रपाल जैसा योगनारायण देव नारायण यादव जी के माध्यम से हुआ है। तो इसलिए मैं इन लोगों के विचारों के साथ मेरी बनती नहीं है, मैं निरंतर बोलता हूं और लिखता हूं। अभी तीन चार दिन पहले ही मैं लिखा था कि सत्य के लिए जी रहा हूं और सत्य के लिए मरूंगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, आज बहन किरण पाठक जी के माध्यम से आप लोगों का सानिध्य पा रहा हूं। भाई टीकाराम जी मिले और जो भजन हम लोग सुन रहे थे, इन्होंने भी बड़ा अच्छा नामकरण किया है, सब कोटा परिवार। सब कोटा परिवार ये बंगला भाषा है, और उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिए बोला, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी बोला है, तो डाक सुने क्यों ना आसे तो अकला चलो रे। तो ऐसा ही नहीं है, मैं अगर अकला चलता होता तो आप लोगों के साथ कैसे जुड़ता, मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग सारे जुड़े हुए हैं, मुझे खुशी इस बात से है। सब कोटा परिवार अर्थात परिवार के सारे सदस्य, और उन्होंने अपने बेटियों को तैयार किया है। तो मैं हैरान इस बात से हूं आपके इस कार्यक्रम में, आज आप लोगों ने मुझे पहली बार बुलाया, और इतने दिनों से 18 सप्ताह से आप लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, और मैं आज पहली बार आप लोगों से जुड़ा हूं। लेकिन आप लोगों ने पहले जो कवाली सुनाया है ना, वो सिद्धांत विरुद्ध है, वो कवाली हमारे मन से नहीं होना चाहिए। हालांकि उसमें बोल कुछ अच्छे हैं कि माता पिता का दिल दुखाना नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है। हमारे यहां पर मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेदः, ये वेद में बताया गया है, मातृमान
पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः। लेकिन जो कव्वाली सुनाया जा रहा था वो कव्वाली इस्लामिक भाषा में सुनाया गया और उसमें ये बोल भी आया कि जन्नत को दोजख ना बनाओ। भाई तो जन्नत को अगर दोजख बना लिया फिर जन्नत का महत्व क्या रह जाएगा? यह शब्द ही गलत है, इसकी बुनियाद ही गलत है। जन्नत का दोजख बनना संभव नहीं और दोजख का जन्नत बनना संभव नहीं है। जन्नत को जन्नत रहना है, दोजख को दोजख बनाना है। हाँ इतना तो जरूर है कि सुख और दुख, वैदिक मान्यता के अनुसार सुख और दुख का नाम जन्नत और दोजख होता है। पर जो कव्वाली सुनाया गया है उस कव्वाली में उस जन्नत की बात की गई जो मरने के बाद लोगों के दिल और दिमाग में समाया हुआ है। हमारे यहां पर मरने के बाद जन्नत नहीं है और न दोजख है। हमारे यहां जीते जी जन्नत है, जीते जी दोजख है। इसलिए मैं इसका स्पष्टीकरण देना उचित समझा और सब कोटा परिवार ने भी जो गीत गाया है उसमें भी एक जगह वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है। आइए जरा वैदिक सिद्धांत, जो वैदिक विचार आप लोग सुनना चाह रहे हैं महेंद्रपाल आर्य के द्वारा, तो वैदिक सिद्धांत को भी जानना बहुत जरूरी होगा, तभी हम वेद को जान पाएंगे, वेद को समझ पाएंगे, वेद को आत्मसात कर पाएंगे, वेद पर आचरण कर पाएंगे। वैदिक सिद्धांत बड़ी ऊंची चीज है, इसीलिए मैं सीना ठोक करके कहता हूं दुनिया वालों के पास वो नहीं है जो हमारे पास है। अर्थात दुनिया वालों के पास वेद नहीं है, हमारे पास वेद है। हमारे और आपके पास, हमारे माने हम सब हो गए हैं, तो हमारे पास वेद है, ये दुनिया वालों के पास नहीं है। ये सबसे गौरवित करने वाली बात है, गौरवित होने वाली बात है। तो वैदिक सिद्धांत क्या है, वैदिक मान्यता क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता को जब हम जानेंगे तो हमें यह पता लगेगा कि स्वर्ग सुख विशेष को कहा जाता है, जहां पर सुख और शांति चैन और अमन हो वो स्वर्ग है, जहां इसका विपरीत है वो नरक है। तो स्वर्ग बनाया जाता है और स्वर्ग बनाने पर जो ना बन पाया तो उसी का नाम नरक है। जैसा उदाहरण के रूप में हमारे भाई टीकाराम जी थे, जो मैं नेपालगंज गया था, राजू जी के साथ मेरा अच्छा संपर्क रहा। राजू जी के साथ संपर्क मेरा वो जब अमेरिका में थे उस समय से है। बहुत सज्जन पुरुष है। तो मैंने निवेदन किया कि स्वर्ग यहां बनाया जाता है, स्वर्ग के माने सुख विशेष का है। जिस परिवार में, जिस घर में जितने मेंबर होते हैं, जितने लोग रहते हैं, सब चैन से आराम से अमन के साथ रहे, वो घर स्वर्ग है। और जहां पर इत्तेफाक नहीं है, जहां पर लोग ये जानते ही नहीं है कि जिंदगी का निर्वहन किस तरीके से करना है, विशेष करके जो कव्वाली सुनाया गया उस इस्लाम के मानने वालों को तो ये भी पता नहीं है। इस्लाम घराने की महिलाएं ये नहीं जान पाती कि एक पति के पास अपना जिंदगी को निर्वहन करना है या पति बदलने पड़ेंगे। अब कितने बदलने पड़ेंगे इसका भाई कोई श्योरिटी किसी के पास नहीं। ये तो धन्यवाद दीजिए हमारे भारत सरकार को, कोई इन्होंने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया है। खैर तो मैंने निवेदन किया घर के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं, प्रेम भाव, प्रेम का बर्ताव जहां हो, सुख चैन आराम शांति जहां हो, वो परिवार स्वर्ग है। इसीलिए परिवार को स्वर्ग बनाया जाता है। पर हमारे यहां पर तो मान्यता ये है लोगों की
कि लोग मरने के बाद लिखते हैं स्वर्गीय। अब वो गया कहां इसका कोई पता नहीं है, उसके नाम से लिख दिया जाता है स्वर्गीय। और लिखने वालों को पता लग रहा है कि जैसे कि वो देख करके आए होंगे कि वो स्वर्ग में है, ये संभव नहीं है। मरने के बाद ही फौरन उसके नाम से लिख देते हैं लोग स्वर्गीय। अब गया कहां, उसका कर्म क्या था, वो तो ईश्वर जाने, ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार वो अपना जगह बनाए। लेकिन हमारी यहां की मान्यता यही है, इस तरीके से लोग लिखते। इसी संदर्भ में बंगला भाषा के एक कवि ने बहुत ही सुंदर कविता लिखा है, मैं थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं और उसको हिंदी में बता दूंगा। बंगला भाषा के कवि हैं, इन कवि का नाम है शेख फजलुल करीम, जबकि इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला है, एक इस्लाम का नुमाइंदा है। और वो क्या लिख रहे हैं जरा गौर से सुनिएगा। वो लिख रहे हैं, कोथाए स्वर्गो कोथाए नरो के बोले ता बहु दूर, मानुषेर माझे स्वर्गो नरो को मानुषे ते सुरासुर। अर्थात कवि लिख रहे हैं कि कौन कहता है स्वर्ग दूर में है, कौन कहता है नरक दूर में है, इसी जनमानस में ही स्वर्ग है। और अंतिम पंक्ति में तो उन्होंने यहां तक लिखा कि स्वर्ग ऐसे दाणाए तखन आमादेरी कूड़े भरे, अर्थात स्वर्ग उस समय उपस्थित हो जाता है हमारे झुग्गी और झोपड़ी के अंदर, जिस झुग्गी और झोपड़ी में सुख शांति चैन और अमन है, उस परिवार को स्वर्गीय बताया जाता है। और ये इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के नुमाइंदा जो कवि हैं, शेख फजलुल करीम नाम है इनका। और कुरान के अनुसार, कुरान में अल्लाह ने कहा इन कुंतुम तो मिनुन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन को ईमान रखना पड़ेगा, कयामत के दिन को मानना पड़ेगा, जन्नत और जहन्नुम को मानना पड़ेगा। लेकिन वो शेख फजलुल करीम जो एक कवि हैं, उस कवि ने नहीं माना उस चीज को। अब इस्लाम वालों ने उसको जगह दिया या नहीं, मैं नहीं जान रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि वैदिक सिद्धांत और वैदिक मर्यादा के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यह बतलाया है, हमें यह ज्ञान दिया है इसी वेद के द्वारा, वैदिक परंपरा के अंतर्गत, कि स्वर्ग और नरक दुनिया से बाहर नहीं है, स्वर्ग तैयार करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। कई बार हमारे भजन भजनिक लोग भी गाते हैं ना इसी स्वर्ग के बारे में। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि मां बाप की बात जहां तक उस कव्वाली में था, किंतु कुरान की मान्यता यह है कि मां बाप अगर बेदीन है तो उनकी एक भी ना मानो, उनकी बात मत मानो, उनकी खिदमत ना करो। उदाहरण के रूप में कि मां बाप अगर इस्लाम से मुतासिर नहीं है, मां बाप अगर इस्लाम को कबूल नहीं किया, लड़के ने इस्लाम स्वीकार किया, मां बाप ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, तो उस लड़के के लिए उपदेश है कि उस मां बाप की खिदमत ना करो। फिर ये भजन कहां रहेगा आपका, ये कव्वाली कहां फिट करेंगे आप। इसलिए मैं सोचा कि इसका खुलासा आप लोगों के बीच में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अपने पेज के माध्यम से संपूर्ण विश्व के आंगन में ये प्रचार आपका फैला दिया हूं, और ना मालूम किन किन देशों से लोग लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ आपके कार्यक्रम में। मैं अपनी बातों को भली भांति औरों तक पहुंचाने के लिए इस भेद को खोल रहा हूं,
कि ये विडम्बना है, हमारे वैदिक मर्यादा में ये कहीं नहीं पाएंगे आप कि माता पिता चाहे कहीं भी हो, अगर आप कहीं हैं तब भी आपके लिए परम कर्तव्य है उन माता पिता का सेवा करना, हमारे यहां मना ही नहीं है। लेकिन कुरान में साफ अल्लाह ने मना किया है, अगर बच्चे ने इस्लाम कबूल कर लिया और माँ बाप इस्लाम कबूल नहीं किया तो उस लड़के से बताया अल्लाह ने कि ऐसे माँ बाप की सेवा ना करो। तो फिर ये जो भजन गाया गया है कि माँ बाप को दुख ना करो, माँ बाप ने कितने मुसीबतों को झेला, तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हें क्या क्या तुम्हारे लालन पालन में, यानी माँ का ताड़ना और पिता का पालना, या तो यूं समझिए पिता का पालना, गुरु का ताड़ना और माँ का पुचकारना, ये तीन से बच्चे की जिंदगी बनती है। फिर याद रखिएगा पिता का पालना, माँ का पुचकारना और गुरु के ताड़ना, इन तीनों से बच्चों की जिंदगी बनती है। ये हमारे यहां वैदिक सिद्धांत को छोड़ करके दुनिया में कहीं पर नहीं है, किसी के पास नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि वो वेद नहीं जानता है तो इस वैदिक सिद्धांत वैदिक मान्यता को कहां से जानेंगे। इसलिए माता पिता की, क्योंकि सबसे पहला गुरु यहां मां को बताया गया है। हमारे यहां वैदिक संस्कृति में, मैं पहले ही बोला यहीं से शुरू किया मैंने, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद, सबसे पहला गुरु मां को बताया गया है। और वैदिक संस्कृति में माता निर्माता भवती कहा गया है, मां निर्माण करती है, बच्चों का जीवन मां के द्वारा निर्माण होता है, पिता निर्माण करने वाले नहीं है, पिता केवल पालने वाले। इसीलिए मैं बोला ना पिता का पालना और मां का पुचकारना और गुरु का ताड़ना। इसीलिए कहूंगा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, गड़ गड़ काड़े टोक, अंदर हाथ सहाय ले बाही मारे चोट। देखा होगा आपने जो मिट्टी का सामान बनाते हैं कुम्हार, वो जब कच्चा मिट्टी का मटका बनाता है, अंदर में उसका हाथ का सहारा होता है और ऊपर से चोट लगा करके उसको ठीक करता है। तो ये हमारे यहां वैदिक संस्कृति में गुरु के लिए कहा गया है। इसीलिए गुरु की ताड़ना, गुरु मां के लिए भी पिता के लिए भी, माता शत्रु पिता बैरी, ये भी आया है कि पढ़ते समय बच्चे को संतानों को शत्रु के समान जानना चाहिए और भोजन कराते समय मित्र के समान जानना चाहिए। तो हमारे यहां वैदिक संस्कृति में कोई ऐसा विषय नहीं है जो ना पाया जाए, ना मिले, ना दिखाई पड़े, ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन दुनिया वाले ये नहीं जानते, दुनिया वालों के पास ये है नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं उस भजन के ऊपर ही मैं बोलूं तो आज पूरा समय उसी में ही लग जाएगा। वो मैं यहां नोट किया हूं कई शब्द, तो मैं एक सप्ताह तक आप लोगों के बीच में हूं, मैंने प्रॉमिस किया है, सप्ताह भर का समय आप लोगों को दिया है। तो मेरी गुजारिश ये है, मेरी प्रार्थना और विनती ये रहेगी कि ऐसी भजन को ना सुनाया जाए विशेष करके मुझे, तो फिर ताकि आप लोगों को भी परेशानी हो, क्योंकि वैदिक सिद्धांत के खिलाफ मेरा कान सुनता नहीं है और जुबान बोलती नहीं है। मैं संपूर्ण विश्व के आंगन में अपनी छवि बनाया हूं स्पष्ट वक्ता और स्पष्ट लेखक के नाम से, इसीलिए मैं अपना पराया नहीं देखता, मैं पक्ष और विपक्ष नहीं देखता। लोग कई बार कह देते हैं पंडित जी आप अपने को भी नहीं देखते, मैंने कहा भाई अपना पराया मेरे पास क्या है, मैं तो पक्षी नहीं हूं जो पक्ष और विपक्ष करूं, मैं पक्षी नहीं हूं,
मेरे सामने केवल हक और नाहक है, मेरे सामने केवल हक और बातिल है, मेरे सामने केवल सत और असत है। कई बार लोग कहते हैं, अभी दो दिन पहले की घटना है कि एक वीडियो चैनल में दिखाया कि हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी किसी जगन्नाथ पुरी उड़ीसा के मंदिर में गए थे, वहां पर उनको मंदिर में चढ़ने नहीं दिया गया, किसी दूरदर्शन चैनल में दिखाया। तो अभी वीएचपी वालों ने जब उसे उनसे चंदा मांगने के लिए गया तो उन्होंने 5,01,000 ऐसा कुछ दिया, चेक दिया। तो मैं उसी समय ट्विटर में लिखा कि अभी मंदिर में चढ़ने जिनको नहीं दिए थे उनसे चंदा मांगने के लिए चले गए। तो एक ने विरोध किया, एक ने कहा कि ये झूठ है। भाई ये झूठ है तो झूठ मैं बोल रहा हूं, जो दूरदर्शन में दिखाया उसको जाकर के बोल झूठ। पर मूर्खता की हद हो गई, लोगों में ये समझदारी नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। खैर, तो मैंने निवेदन किया कि वैदिक मान्यता एक ऊंची चीज है, एक अलग चीज है। ऋषि दयानंद ने भी समझौता नहीं किया, ऋषि दयानंद के शब्द कोश में समझौता शब्द नहीं है। अगर ऋषि दयानंद को समझौता करना होता तो अपना माता पिता से कोई लाठी बजी थी उनकी, या जहां तक मुझे आप लोग जानते हैं तो क्या मेरी भी माता पिता से लाठी बजी थी? मैं तो अपना सिद्धांत को देखा, ऋषि दयानंद को पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद मैंने सत को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के चौथा नियम में लिखा है। तो फौरन मैंने सत को ग्रहण करने में देर नहीं लगाई। इसीलिए मेरे पास अपना पलाया नहीं होता, मेरे पास केवल हक और बातिल होता है, मेरे पास केवल सत और असत होता है। जो सत है उसको बोलना है, जो असत है उसको भी डंके के चोट पे कहना है। और ये मेरी बात नहीं है, आज आप लोगों को भी मैं सुना देता हूं, सुनिए। ये ऋषि दयानंद की मान्यता है और मैं दावा के साथ कलेजा ठोक करके, सीना ठोक करके कह रहा हूं कि ये वाक्य तो केवल ऋषि दयानंद के लिए ही कहना था, कोई और धरती पर इतने महापुरुषों का आगमन हुआ किसी ने भी नहीं कही ये बात। क्या बोला ऋषि ने? ऋषि ने बोला सत का बोलना और बुलवाना। शब्द पर ध्यान देना, ऋषि दयानंद क्या लिख रहे हैं सत्य प्रकाश में कि सत का बोलना और बुलवाना। भाई अपने आप में सत बोले तो बहुत बड़ी बात है, ऋषि दयानंद कह रहे हैं बुलवाना। किससे बुलवाना? औरों से बुलवाना। केवल इतना ही नहीं, ऋषि ने कहा कि सत का बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अविश्य समझता हूं। अब इससे अंदाजा लगाइए, लोग सत तो बोलना नहीं चाहते। अगर सत बोलना चाहते होते तो आज ये दांव पेच क्यों कैसा चल रहा है, सब ये सब होना संभव नहीं था। अगर सत के पक्षधर होते तो सत को दुनिया ने जाना ही नहीं, सत को दुनिया ने अपने नजदीक आने ही नहीं दिया, इसीलिए असत के पक्षधर हुए। और ऋषि दयानंद कह रहे सत तो मैं बोलूंगा ही, औरों से भी बुलवाऊंगा। भाई औरों से बुलवाना कितना कठिन काम है इससे अंदाजा लगा लीजिए आप आर्यजनों। अपने आप बोलना ही बहुत बड़ी बात है, औरों से बुलवाना, ऋषि दयानंद कह रहे औरों से बुलवाना। केवल इतना ही नहीं, असत को छोड़ना औरों से छुड़वाना। क्या कमाल किया है ऋषि ने। मैं तो शायद आई ऋषि दयानंद का इसीलिए बना, मैंने वेद को अपने जीवन में इसीलिए उतारा कि सच्चाई को देख करके, जान करके, परख करके ही मैं सत को स्वीकार किया। ऋषि दयानंद कह रहे हैं सत तो बोलूंगा ही, औरों से बुलवाऊंगा, असत तो छोड़ूंगा, औरों से भी छुड़वाऊंगा। औरों से छुड़वाऊंगा का मतलब समझ रहे ना, कितना संघर्ष है। लोग अपने आप ही छोड़ना नहीं चाहते, ये औरों से छुड़वा रहे हैं ऋषि दयानंद।
इसलिए ऋषि दयानंद के विचारों का कोई तुलना दुनिया वालों के पास नहीं है। दुनिया ने ऋषि दयानंद को पढ़ करके ही नहीं देखा, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने आर्य समाज नाम की संस्था को कायम किया, जिन्होंने आर्य समाज नाम की संस्था को बनाया, ऋषि दयानंद का मर्यादा ही क्या है। इसीलिए तो लेखकों को लिखना पड़ा, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी ना अदा होंगे। ये तो लेखकों ने लिखा है, गायकों ने लिखा है, कवियों ने लिखा है। और साथ साथ मैं सब कोटा परिवार को भी एक बात बता देता हूं, उन्होंने जो भजन गाया, भजन तो ठीक है लेकिन उसमें एक शब्द है, इन्होंने परमात्मा को ही खेवैया मान लिया कि परमात्मा पाल लगाए पाल लगाने वाले परमात्मा नहीं है। मेरी बेटी भी हंस रही है, देखिए परमात्मा पाल लगाने वाले नहीं है साहब, पाल लगाने के लिए हमारे कर्म ही हमें पाल लगाए। परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा अगर पार कराने लगे तो उसकी न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसीलिए परमात्मा ये कह रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं, अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ और अशुभ। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ये जीवात्मा बारंबार धरती पर आता है, केवल उसी कर्मों को भोगने के लिए। तो जब आपने उस भजन में क्या गाया, हमें मत डूबोना हमें बचा देना। अच्छा भाई, आपको डूबोने से परमात्मा को क्या मिलेगा? अंदर लगाइए जरा सा। ऋषि दयानंद के नाम से भी ये तथा कथित आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता मैं लिखा हूं, बोला भी हूं। ये रट्टू तोता क्या कहते हैं ऋषि दयानंद के नाम से, कि ऋषि दयानंद मृत्यु शय्ये में पड़े थे और बोल रहे थे, परमात्मा अजब तेरी लीला है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये सरासर झूठ है, गलत है। जब सत्यात प्रकाश केस मैं जीता दिल्ली हाई कोर्ट से अपने वकीलों के साथ, तो कई संगठनों ने मुझे सम्मानित किया, तो परोपकारिणी सभा अजमेर वालों ने भी सम्मानित किया। और स्टेज पर मैं बोल रहा था, देखा वहां पर ऋषि दयानंद के मृत्यु शैया वाला वो चित्र लगा था और उसके नीचे लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में, ऐ परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो। मैंने वहीं खड़ा होकर के स्टेज पर विद्वान जनों की जमावड़ा थी, मैंने सारे विद्वानों को चुनौती दिया कि परमात्मा की इच्छा होती या नहीं होती, इसी पर ही मेरे से डिबेट कर लो। कोई नहीं आया सामने और आज तक नहीं आया। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि यही तो सब कारण बना कि वेद में तो मिलावट किया जाना संभव नहीं है, इसलिए लोग मिलावट नहीं कर पाए, वरना ऋषि कृत किताबों में मिलावट किया है। बंधुओं याद रखना, ऋषि कृत किताबों में जो मिलावट हुआ है ना, वो किसी गैर आर्य समाजियों ने भी नहीं किया। नेपाल के आर्य समाज के लोगों जरा ध्यान से सुनना, और विश्व के आंगन में कहां कहां से आर्य कहलाने वाले जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं, वो जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ऋषि दयानंद के ग्रंथों में मिलावट करने के लिए अरब से लोग नहीं आए। और जिस पाकिस्तान को हम और आप दुश्मन मानते हैं, वो पाकिस्तान से भी लोग नहीं आए, ना बांग्लादेश से आए, ना किसी इस्लामिक कंट्री से आए। ऋषिकृत ग्रंथों में अगर मिलावट किया है तो ये तथाकथित आर्य समाजी रट्टू तोताओं ने मिलाया है। वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं है। मेरा एक वीडियो लगा हुआ है यूट्यूब में, आप देखेंगे, मैं और मेरी बेटी, मेरी बेटी जिसको दो वेद कंठस्थ है, अष्टाध्यायी महावास कंठस्थ है,
जो पीएचडी कर रही है अभी, हम बाप बेटे ने मिलकर के ये बोला, बाप बेटी ने मिलकर के ये बोला कि वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं है। अरे मिलावट तो दूर की बात, कलम का नींव भी कोई नहीं रख सकता, कलम का नींव भी नहीं रखा जा सकता। कलम के नींव रखेंगे तो अक्षर बन जाएगा, नासिका बचनोन नासिका। मैं बहुत ऊंची बात आप लोगों को दे रहा हूं, वेद तो हम पढ़ेंगे पहले हम जान लें ना, क्योंकि हम अनाज खेत में तब बोते हैं जब खरपतवार निकाल लेते हैं। आप सभी लोग बेशक काठमांडू में रहते हैं, पर काठमांडू में तो खेती होती नहीं है, और जो खेती नीचे करने वाले लोग हैं उन लोगों को आप लोग इतना प्रोत्साहित नहीं करते, पर जो नीचे तराई में जो लोग खेती करते हैं वहां जाकर के देखिए, अनाज बोने से पहले जो खेत में खर पतवार है, घास फूस है, उसको पहले निकाला जाता है, उसको बाहर किया जाता है, तब लोग अनाज बोते हैं। और एक बार नहीं कई बार ऐसा ही उस घास फूस को बाहर करना पड़ता है, तब अनाज बोया जाता है। हमारे यहां पर भी ऋषि देहरन की मान्यता यही है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। कल हमें भाई साहब जब ये प्रोग्राम दे रहे थे तो उस समय वो भी बोल रहे थे कि मैं आपके वीडियो देखता हूं, आपका विषय तो बड़ा रोचक तो होता ही है लेकिन कईयों के खिलाफ होता है। मैंने कहा भाई मैं किसी के खिलाफ तो बोलता ही नहीं, मैं असत और अधर्म के खिलाफ बोलता हूं, तो क्या असत और अधर्म के खिलाफ ना बोला जाए? और ऋषि दयानंद तो यही कह रहे हैं, ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि अनाज उस घास में मत बो, वो घास में अनाज बोगे तुम्हारा फसल हो नहीं पाएगा, फसल होने नहीं देंगे, फसल पैदा नहीं हो पाएगा उस घास में। इसलिए ऋषि कह रहे हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन आज अविद्या में ही आच्छादित है आर्य समाज नामी संस्था, और संस्था के कार्यकर्ता अधिकारी वर्ग ये मूर्ख लोग विद्वानों पर राज कर रहे हैं। सच्चाई, मैंने निवेदन किया कि ऋषि दयानंद की जो मान्यता है कि परमात्मा ना तो हमें डुबोता है और ना बचाता है, हमें डुबोने वाला हमारा कर्म है, कर्म ही हमें डुबोता है और कर्म ही हमें बचाता है। हमारा कर्म ही अगर खोटा हो, कर्म ही अगर गलत हो, और हम जिंदगी भर परमात्मा से यही कहते रहे, बोलते रहे, चिल्लाते रहे, शोर मचाते रहे, परमात्मा मुझे डुबोना मत, क्या बोलता वो, तुम ना डुबो, तुम डुबो या बचाओ, भाई तुम डूबो या बचाओ, वो उसके ऊपर क्यों ये जिम्मा आएगा, वो क्यों डूबोएगा और क्यों बचाएगा? उसने मनुष्य मात्र को कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ा है, जीव आत्मा कर्म करता है अपने इच्छा अनुसार, लेकिन फल अपने इच्छा अनुसार ले नहीं पाएगा। फल परमात्मा देने वाले हैं, और ना वो किसी को ज्यादा देते ना वो किसी को कम देते, अर्थात हमारा जितना अधिकार है, हमारा जितना हक है, यानी हमने जितना काम किया है उतना ही हमें देंगे, उससे ज्यादा देंगे ही नहीं। तो जब उससे ज्यादा हमें नहीं देंगे तो हमें बचा लो और डुबोना मत का क्या मतलब हुआ? वो डूबेगा नहीं, डूबेगा तो दोष लगेगा उस पर, और दोष लगने पर परमात्मा ना हो करके दूसरा कोई शय बन जाएगा, वो परमात्मा नहीं बन सकते। ये वैदिक सिद्धांत, गांठ बांध लेना, क्योंकि हम अपनी जुबान से परमात्मा के लिए ऐसा कोई शब्द ना निकालें जो परमात्मा पर दोष लगता हो, ऐसा कोई शब्द मानो अपनी जुबान से नहीं निकालना चाहिए। वो डुबोता नहीं है,
लेकिन हाँ, जो गजल आपने सुने ना, उस गजल में अल्लाह डुबोता है, अल्लाह बचाता है। हमारे यहां परमात्मा ना डुबोएगा ना बचाएगा। हमारे यहां बताया कि तुम काम करोगे, तुम्हारा काम ही तुम्हें तैरा देंगे। तुम्हारा काम ही तुम्हें पार लगा देंगे, नदी के इस पार से उस पार पहुंचा देंगे। और कहीं तुम्हारा काम में खोटापन हो तो बेटा याद रखो, उस पार नहीं जा पाओगे, डूबोगे। लेकिन यहां अल्लाह ने कहा इन्नल्लाहा यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब। ओ अल्लाह जिसको चाहेगा डूबोएगा, जिसको चाहेगा तैरा देगा। हमारे यहां ये फिट होता नहीं है और ना हो सकता है। अल्लाह जिसको चाहते बेहिसाब रोजी दे देते हैं, ये कभी भी संभव नहीं होगा। ऋषि देवरन कह रहे हैं अल्लाह को रोजी हिसाब से देना चाहिए था, पर क्या करें हम, अल्लाह हिसाब वाला नहीं है। अगर अल्लाह हिसाब वाला होता तो रोजी हिसाब से देता। ऋषि कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, संभव ही नहीं है। परमात्मा पर दोष लगेगा, हम जितना करेंगे हमें उतना ही मिलना है, उससे कम नहीं ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा दे तो औरों के साथ अन्याय हो जाएगा और कम दे तो हमारे साथ अन्याय होगा। इन बात को ना तो कुरान वालों ने जाना, ना बाइबल वालों ने जाना, त्रिपिटक जिंदा विस्ता ये तो सब छोड़िए, वो तो मानते ही नहीं है परमात्मा को। और आपके नेपाल में इस समय, जहां तक नेपाल से मेरा संपर्क और संबंध है, ईसाइयों का भरमार हो रहा है, ईसाइयों का प्रचार और प्रसार बढ़ रहा है निरंतर। और अपने घराने वालों को बचाने में अगर किसी में दम है, किसी में ताकत है, तो वो केवल और केवल आप जैसे आर्य जनों में ताकत है। हमारे भाई टीकाराम जी को मालूम है बखूबी, हम नेपालगंज गए थे उस समय कितने लोगों से मिले और इन्होंने मिलवाया, भाई राजू जी के माध्यम से। बहुत सारे लोग जहां मैं रुका था वहां होटल में आते रहते थे। तो आप लोगों को अंगड़ाई लेना पड़ेगा, आप लोगों के साथ मजबूती, आप लोगों को मजबूती के साथ डट करके ऋषि देवरन के मंत्र को उजागर करना पड़ेगा, तभी आप आर्य समाज की सार्थकता को रख पाएंगे, तभी वेद प्रचार हो पाएगा। जब तक आप वेद प्रचार करेंगे, वैदिक मान्यता को जन जन तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाने के लिए वो विचारधारा, वो फील्ड पहले बनाना पड़ेगा ना भाई। फील्ड बनाए बिना कैसे संभव होगा, फील्ड बनाना पड़ेगा पहले। इसीलिए मैं बोला खरपतवार को पहले निकालना पड़ेगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, यह वैदिक मान्यता है, वैदिक परंपरा है, ऋषि परंपरा है, ऋषियों ने हमें वेद ढूंढ करके, वेद से ढूंढ करके दिया, और वेद ज्ञान आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को दिया। थोड़ा सा चलते चलते रख रहा हूं वेद क्या है, कल से विस्तार रूप से वेद पर बोलूंगा। और बखूबी मुझे भरोसा है, भाई टीकाराम जी भी वहाँ 3 दिन लगातार हमारे साथ थे, इनको भी बखूबी मालूम है। मैं अपने ऑडियंस को उठने नहीं देता और हमारे ऑडियंस को ये पता भी नहीं लगता कितने देर से बैठे हैं। तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ऋषि ने कहा कि वेद क्या है पहले जानना पड़ेगा। वेद क्या है, वेद के माने कोई ग्रंथ का नहीं है, वेद के माने कोई किताब का नहीं है, वेद के माने किसी बुक्स के नहीं है, वेद के माने है ज्ञान। विद जाने, विद विचारे, विद सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद का अर्थ होता है।
वेद के अर्थों में यही सब लिया गया है, वेद के मानी है ज्ञान, तो फौरन सवाल आएगा किसका ज्ञान, फौरन जवाब मिलेगा परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान। तो फिर पूछेंगे किनके लिए, तो जवाब आएगा मानव मात्र के लिए। यथेवं वाचम कल्याणी महाबदानी जनभ्या, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है, ये कोई जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। वेद से इतर जितने भी किताबें हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब विश्व के मानव मात्र के लिए नहीं है। मैंने एक चर्चा भी कुरान की है, तो कुरान की चर्चा जब मैंने आप लोगों के सामने किया तो उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। कुरान मानव मात्र के लिए नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान कहता है ईमान लाने वालों, क्योंकि आप सबको बेईमान मानता है कुरान, अल्लाह मुसलमान। कुरान को जो नहीं मानता है वो ईमानदार नहीं है, चाहे आप जितने सदाचारी क्यों ना हो, जितने सत्यवादी क्यों ना हो, जितना दानी क्यों ना हो, जितना परोपकारी क्यों ना हो, जितना अच्छा काम करने वाले क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक इसकी कोई जगह नहीं है। अल्लाह ने उन सब को बेईमान माना। अभी हमारे भारत में पिछले दिन कश्मीर में प्रचार हो रहा था, मोदी क्या जीतेगा, मोदी को समुन्दर में डुबोएंगे। जब मोदी को समुन्दर में डुबोएंगे बोला फारूक अब्दुल्ला, उसका बेटा, ये पूरा परिवार, और उसी समय जम्मू में बाढ़ आ गया। बाढ़ आने से वो पिता पुत्र ही डूबने लगे और ये मोदी जी ही खेवैया बन करके वहां गए, जैसे हमारे भाई खेवैया सुना रहे थे। मोदी जी खेवैया बन करके वहां उन लोगों को पार लगाया। उसी समय मैंने सवाल उठाया, क्या इस्लाम के मानने वालों, जरा आप लोग अपने अल्लाह से पूछो कि मोदी जो इतने लोगों के जान बचाए हैं मुसलमानों के, क्या मोदी जी कभी जन्नत में जा सकेंगे, अल्लाह भेजेंगे जन्नत में, स्वर्ग में, जो जन्नत वाला गीत आप लोग सुन रहे थे। अल्लाह ने मना किया, नहीं मोदी तो नहीं जा पाएगा। बोले केवल मोदी ही नहीं, मोदी का पूरा परिवार नहीं जा पाएगा कभी भी। जो गैर इस्लामी लोग हैं वो कभी भी नहीं जा पाएगा। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए भेदभाव कहां मानव समाज के अंदर। पर करे तो क्या करे, कुआं में ही भांग डाल दिया गया है। अभी मैं पिछले दिन देख रहा था, माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री गए थे अलीगढ़ विश्वविद्यालय में, जाने के लिए विरोध हो रहा था पहले, लेकिन मोदी जी जा करके वहां बड़े अंदाज से ऋषि दयानंद की मान्यता के आधार पर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, और पत्रकार लोग गांव गांव में घूमने लगे, वहां ये मकान किसने बना, मकान किसने बनाया। तो मकान बना, मकान के मलकिन सब मुसलमान महिलाएं थी, बोले मोदी ने बनाई, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, अल्लाह का बड़ा रहम है, अल्लाह के रहम है, अल्लाह ने रहम किया। तो ये पत्रकार, ये हमारे इतने मूर्ख हैं, ये पत्रकार उन महिला से ये नहीं पूछे कि अल्लाह ने रहम किया किस पर, तुम पर किया तो मोदी के द्वारा किया, तो मोदी के द्वारा किया तो मोदी को भी अल्लाह जन्नत भेजेंगे क्या। ये नहीं पूछ पाए, पर पूछना चाहिए था मुंह पर, पर ये दुर्भाग है। इसलिए मैंने बोला कि हमारे यहां पर भेदभाव नहीं है। यथे मम वाचम कल्याणी महाबदानी जरभ्या, ये वेद वाणी कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है।
हमारे यहां पर कोई भेदभाव नहीं है। वेद में कोई भी उपदेश परमात्मा का आर्य समाजी के लिए नहीं आया, हिंदू शब्द के लिए नहीं आया, हिंदुओं के लिए नहीं आया, भारतीयों के लिए नहीं आया। यथेमं वाचम कल्याणी मा बदानि जनेभ्यः, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। पर ये जो ऊंची चीज है वेद की, दुनिया वाले नहीं जानते। इसीलिए मैंने बोला कि वेद क्या है, वेद माने ईश्वरीय ज्ञान है। किन के लिए है? मानव मात्र के लिए है। कब से है? क्या आदि सृष्टि से है? आदि सृष्टि से है, जब से दुनिया बनी, जब से चांद और सूरज है, उस समय से ही वेद है। उसमें ज्ञान कितना है? बोले जितना तुम चाहो उतना है। तुम्हारे पास दिमाग की जितनी कैपेसिटी है, जितना तुम उसमें से निकालना चाहोगे उतना है। वेद ज्ञान समाप्त होता नहीं, होगा भी नहीं। तो फौरन जवाब आएगा आपके तरफ से कि किस भाषा में है, तो जवाब आएगा मानव मात्र के भाषा में है। अब वेद संस्कृत में है, मानव मात्र के भाषा हम कैसे जानेंगे? तो इसका सारा लब्ब लुबाब वेद के आधार पर, वेद को हम क्यों मानते हैं, मानव मात्र को क्यों मानना चाहिए, वेद ईश्वरीय ज्ञान क्यों है और वो संस्कृत में ही क्यों है, मानव मात्र का भाषा क्यों है, कैसे है, ये आदि आदि ये सारा प्रमाण मैं आप लोगों को निरंतर सप्ताह भर देता रहूंगा। जितना समय आज आप लोगों ने मेरे लिए मुकर्रर किया था, वो समय बिल्कुल करीब हो रहा है। मैं अतिक्रमण करना नहीं चाहता, अतिक्रमण करना उचित भी नहीं है। न मालूम कितने व्यस्तता आप लोगों ने छोड़ करके इस विचारों को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ मैं बहन जी किरण पाठक जी का, कि जिन्होंने मेरे विचारों को हमेशा वो पढ़ते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और आप लोगों तक मेरी बातों को उन्होंने पहुँचाया कि भाई महेंद्र पाल जी को भी बुलाना चाहिए। तो जिस सज्जन ने, उनका नाम तो मैं पूछा नहीं, जिन सज्जन ने कल मुझे निमंत्रण दिया, मैं उन सब का आभारी हूँ। और ये दो परिवार जो सब कोटा परिवार और भाई टीकाराम जी, ऐसे लोगों से मिला लिए हैं मुझे, मैं धन हो गया हूँ। और भट्टराय जी को भी मैं देख रहा था लेकिन बाद में दिखाई नहीं पड़े, भट्टराय जी से भी मेरा संपर्क रहा, वो कि कई बार आते रहते हैं। भट्टराय जी वही है जो आपके काठमांडू में सबसे बड़ा मकान जिनका है, वो भट्टराय जी हैं, वो आर्य समाज के ही कार्यकर्ता हैं। और कई बार मुझे मिलते रहते हैं, नीचे जहाँ भी मैं कार्यक्रम में होता हूँ वो आते हैं वहाँ से। तो मैं आज जितना समय आप लोगों ने दिया था या मुकर्रर किया था, निर्धारित किया था, वो समय बिल्कुल पूरा हो रहा है। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि निरंतर कल से हम और आप जुड़े रहेंगे और सप्ताह भर आपका ये कार्यक्रम चलता रहेगा बिना बाधा और विघ्न के। आप लोग इसी वैदिक विचारों को, वैदिक विचार को औरों तक पहुंचाने के लिए आप लोग भरसक प्रयास करें और जहाँ तक हो सके वीडियो को, जो वीडियो आप लोग बनाए होंगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल दबाना न भूलें, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को नमस्ते के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।